सो गाइस, आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है तो अब आप भी कोरोना वैक्सीन 1 मई से लगवा सकते हैं। तो कुछ जगह पे अभी जो वैक्सीन है मतलब आया नहीं है, कुछ जगह पे वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि मैंने अपना वैक्सीन लगवा लिया है, सो गाइस आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होगा, आपको करना होगा सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि 28 तारीख से ही खुल गया लेकिन स्लॉट आपको नहीं मिल रहा था। तो स्लॉट के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेना है वो समय आपको डिटेल में बताऊँगा, करना कैसे होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जाके अपना टीका लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट डोज ले लिया है और उसके 28 दिन बाद मैं अपना सेकंड डोज लूँगा। और यहाँ पे आप सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है बुक करने का, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और नेक्स्ट डोज के लिए आपको कैसे शेड्यूल करना है वो भी मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। हे गाइस, मैं हूँ शुभम सुदामा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको अपना कोविड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कोविड वैक्सीन के लिए, इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, इसके बाद ही आप सेंटर पे जाएं। सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करके अगर आप सेंटर पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे वैक्सीन नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको अपना अपॉइंटमेंट लेना है, जिस भी डेट को आपको अपॉइंटमेंट मिलता है उस डेट को आपको जाना है, और उसके बाद आपको वैक्सीन लगवाना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वैक्सीन लगवाया तो उस तरीके से आप वैक्सीन लगवाएंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ करना क्या होगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि और लोगों को पता चल जाए, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि अपॉइंटमेंट लेना कैसे है और जो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो उन्हें भी ज़्यादा सहायता होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको स्लॉट मिलेगा। तो चलिए मैं 1 बाय 1 बताता हूँ वो करना क्या होगा। आपके पास 3 ऑप्शन है, एक तो है आप वेबसाइट पे आएँ, गूगल पे आएँ, वहाँ पे सर्च करें cowin.in, दूसरा है आप आरोग्य सेतु से जा सकते हैं, तीसरा है उमंग से। लेकिन आरोग्य सेतु में थोड़ा एरर आता है तो मैं कहूँगा आप गूगल पे आएँ, और जो मैं सर्च कर रहा हूँ cowin cowin, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं cowin.gov.in, इस पर क्लिक करना है सिंपली। और यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे आप पहले चाहें तो सर्च कर सकते हैं कि आपके यहाँ सेंटर पे सीट अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो मैं आगे बताऊँगा कैसे करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है। तो हम जैसे ही रजिस्टर योरसेल्फ कर लेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। एक OTP जाएगा और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आरोग्य सेतु और उमंग का दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इस वेबसाइट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालता हूँ, गाइस यहाँ पे नंबर डालने के बाद सिंपली गेट OTP पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 180 सेकंड का टाइम मिलता है जब आप यहाँ पे OTP डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, जो आपने अभी यहाँ पे नंबर डाला था, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो मेंबर है वो रजिस्टर ऐड करना है, ठीक है। रजिस्टर करना है मेंबर को, तो आप एक नंबर से 4 मेंबर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर घर में आपके 4 लोग हैं तो एक ही नंबर से आप उन्हें रजिस्टर कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग नंबर से भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एक नंबर पर 4 पर्सन रजिस्टर हो पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर करेंगे रजिस्टर मेंबर पर, और जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो आईडी प्रूफ डालना है, उसका नंबर डालना है, नेम डालना है, जेंडर डालना है, और जो आपका बर्थ ईयर है यानी कि आप 2003 से पहले होना चाहिए आपका बर्थ, या 2003 तक होना चाहिए, ठीक है। यानी 18 प्लस होना चाहिए तभी आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ ईयर 2003 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2004 डालता हूँ 2004, तो यहाँ पे लिख देता है कि आपका जो 2003 या उससे पहले होना चाहिए। तो मैं सारी डिटेल डाल देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अपना जो आईडी प्रूफ है वो मैंने आधार कार्ड और उसका नंबर डाला है, और यहाँ पे मैंने सारा डिटेल डाल के और रजिस्टर पे सिंपली क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं सक्सेसफुली, ऊपर लिख रहा है। और रजिस्टर होने के बाद हमारे यहाँ पे एक मैसेज भी चला गया होगा हमारे मोबाइल नंबर पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप जैसे मैंने बताया था 4 मेंबर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ सेम प्रोसेस होगा जो पहले हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड मेंबर कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी मेंबर ऐड नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बैक चलते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना जो अपॉइंटमेंट है वो शेड्यूल करना है डोज 1 के लिए। तो सिंपली यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे शेड्यूल पे करेंगे यहाँ पे शेड्यूल नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, या तो अपने पिन कोड द्वारा सर्च कर सकते हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट द्वारा सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पिन कोड द्वारा सर्च करेंगे तो आपके आसपास का एरिया मिल जाएगा, और नहीं तो आप अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा ईस्ट दिल्ली, या जैसे मेरा ईस्ट दिल्ली है तो ईस्ट दिल्ली हो सकता है, नॉर्थ दिल्ली हो सकता है, पटना, उसके बाद नोएडा, कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन हम पिन कोड द्वारा सर्च करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, अब हमें अपने पिन कोड डालना है, ठीक है। तो पिन कोड डाल लेते हैं 1100094, ठीक है, और सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद मैं आपको 2 ऑप्शन दिखाना चाहूँगा, जैसे कि अगर हम थोड़ा नीचे जाएँ
तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक 45 प्लस के लिए अपॉइंटमेंट मिलता है और एक 18 प्लस के लिए मिलता है। 18 प्लस के लिए आपको 1 मई से स्टार्ट हुआ है और 45 वाले का आपका पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, पिछले कुछ मंथ से, ठीक है। तो आपको अगर आपका एज है उसके अकॉर्डिंग लेना है, अगर आप चाहेंगे कि इसमें बुक करना तो यहाँ पे ऊपर लिख दिया कि आपका जो एज है वो इसमें मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, अब पहले क्या था कि आपको सेम डेट में जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको सेम डेट में अपॉइंटमेंट मिलने लगा है, ठीक है। पहले सेम डेट में नहीं था, तो यहाँ पे आज 3 मई है, 3 मई को आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 4 तारीख को भी दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 4 वाला पहले बुक करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम टाइम में पहुँच नहीं पाए, तो यहाँ पे बुक करते हैं और टाइम स्लॉट हम सुबह कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने किया, और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है सिंपली। तो देखिए जो हमारा अपॉइंटमेंट है सक्सेसफुली शेड्यूल हो चुका है, हमारे पिन कोड पे हमारा जो ये सेंटर है, सेंटर का नाम दिया गया है और साइट नंबर दिया गया है, ठीक है। यानी कि एक स्कूल में 5 सेंटर होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो आपका इस स्कूल में जो स्कूल का नाम है यहाँ पे आपका साइट नंबर 2 है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग है, और ये आपका ईस्ट दिल्ली में आ रहा है और आपको टाइमिंग दिया गया, इस टाइम पे आप पहुँचे, आप सुबह में पहुँच जाइएगा तो आपको जल्दी से लग जाएगा। आपको लेके क्या क्या जाना है मैं बता देता हूँ, आपको ये मैसेज लेके जाना है और इसके साथ एक आधार कार्ड या आपने जो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डाला होगा, ठीक है, वो आपको लेके जाना है साथ में, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड डाला था, मैं आधार कार्ड लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे इसे हम क्लोज कर लेते हैं। और क्लोज करने के बाद देखिए हमारा जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो चुका है, आज 3 तारीख है, मैंने 4 का यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया है। आप चाहें तो इसे रीशेड्यूल कर सकते हैं, जैसे आप इसे रीशेड्यूल करेंगे तो यहाँ पे डेट चेंज करने का ऑप्शन एक ही ऑप्शन आता है रीशेड्यूल का, यानी कि अगर आपको कल ही लेना है और किसी दूसरे पिन कोड पे लेना है या परसों लेना है तो सिंपली रीशेड्यूल पे जाएंगे और फिर सेम तरीका होगा, फिर से पिन कोड डालेंगे, ठीक है, 00094 और सर्च करेंगे, तो मान लीजिए आपको जिस भी डेट का मिल रहा है आप सिंपली उसको बुक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट टाइम पूछ रहा है और रीशेड्यूल हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है आपको रीशेड्यूल करने का। सो मैंने तो अपना वैक्सीन लगवा लिया है, अब आपकी बारी है, आप ही जाके वैक्सीन लगवाइए। और इसके बाद मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको सेकेंड डोज के लिए कैसे बुक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना होगा, ठीक है, ये सारा मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ आगे आने वाले टाइम। सो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो कैसा दिखेगा आप को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट डोज लेने का बताऊंगा, ठीक है। और आप चाहें कि मान लीजिए इसे नहीं लेना है, इस आईडी से नहीं लेना है, आप आईडी चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ कट का ऑप्शन दिख रहा है, कट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है अपॉइंटमेंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और फिर आप आईडी चेंज करके यहाँ पे ऐड मेंबर कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इसके बाद आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे स्लॉट बुक किया है। अगर स्लॉट बुक नहीं करेंगे तो अभी आपको वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए मैं फिलहाल 28 तारीख से अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ गया था, लेकिन मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उस टाइम मुझे स्लॉट यहाँ पे दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपना अपॉइंटमेंट लेके जाके वैक्सीनेट करवा सकते हैं अपने आपको। सो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके पूछिएगा, और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि बहुत लोगों को नहीं पता है तो वो भी अपना वैक्सीनेशन करवा पाए इस वीडियो की मदद से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।